हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ मायके में। जब ये वीडियो है ना वहाँ की, वो मायके की है। एंड अभी तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को मायके से आए, बट ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी तो सोचा अपलोड कर देती हूँ कि क्या किया हम लोगों ने वहाँ पे। एंड ये है चीनी चीकू। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उन लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग आए थे सर्कस देखने। घर के बिल्कुल पास मायके में सर्कस लगा हुआ था, एंड ऐसा कुछ प्लान नहीं था हम लोग का जाने का, इसलिए बाकी लोग आपको नहीं दिख रहे हैं। सडनली ही हम लोग ही गए थे सिर्फ। एंड हम लोग ने सोचा था कि एक बार और चले जाएंगे फैमिली के साथ, बट टाइम नहीं मिला सबके साथ जाने का फिर से। बट बच्चों को एक बार दिखाना था इसलिए मैंने दिखा दिया। एंड चीनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आफ्टरनून का शो देख रहे हैं हम लोग ये। चीकू मजा आने बहुत ज्यादा। एंड बेस्ट पार्ट जो ये क्लाउन के रहते हैं ना, जोकर जिसको बोलते हैं, उन लोग का परफॉर्मेंस लगा बच्चों को स्पेशली। एंड हम लोग के लिए तो बिल्कुल बच्चों वाला था ये सर्कस, बट बच्चे चीनी चीकू सबको काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। एंड ज़्यादा दिन में रही नहीं थी मायके में इसलिए दोबारा जा नहीं पाई। तो ये वाला जो सीन था ये था सर्कस का लास्ट सीन। एंड उसके बाद घर वापस आ गए थे हम लोग, लंच वगैरह करके ही गए थे क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था। एंड ये है न्यू ईयर वाला दिन, फर्स्ट जन का है ये, फर्स्ट जनवरी का। एंड मायके में वहीं पास में श्याम मंदिर है, बहुत फेमस है, बाहर से दूसरे स्टेट से भी आते हैं लोग, तो इतने पास जब मैं गई थी तो दर्शन करना तो बनता ही। एंड न्यू ईयर पे हम लोग सोच रहे थे कि भगवान के दर्शन से ये वाला साल शुरू हो। तो ये है मंदिर, बहुत सुंदर डेकोरेट हो रखी थी आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लावर। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी एंड गेम्स वगैरह भी हो रहे थे साइड में, हाउसी वगैरह, और भजन चल रहा था, भंडारा प्रसाद भी था। तो हम लोग लंच के टाइम पे पहुँचे थे एंड सोचे थे कि वहीं पे प्रसाद ले लेंगे, पे करके प्रसाद लेना था, ऐसा था कूपन सिस्टम जो रहता है ना वो। आप देख सकते हो मंदिर के अंदर भी कितना ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, बिल्कुल अलग ही वाइब्स लग रही थी उस दिन तो मंदिर की। एंड वैसे भी बहुत सुंदर मंदिर है ये, एंड भीड़ भी हमेशा रहती है, बट उस दिन बहुत स्पेशली डेकोरेटेड था न्यू ईयर के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सारे जाते हैं दर्शन करने के लिए नए साल पर। तो बस ये है, दर्शन किए, लाइन वगैरह लग रखी थी आप देख सकते हो, दर्शन किए। एंड वहाँ पे और भी साइड में बहुत सारी मंदिर बनी हुई है, वहाँ भी दर्शन किए। एंड मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एक मिल गई थी तो उससे भी मिली मैं, बचपन के बाद फर्स्ट टाइम, लाइक इतना टाइम हो गया, उसके बाद पहली बार मिली मैं उससे, तो उससे मिली, बातें बातें किए। एंड उसके बाद प्रसाद लिए जैसे कि बताया मैंने। एंड हम लोग सबको ही गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बाद में मुझको जब लेने के टाइम पे, तो वो भी है, मेरी सिस्टर, उनका हस्बैंड भी है, और सबको ही गए थे हम लोग। और प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं किया मैंने, तो छोटी छोटी जो क्लिप्स थी ना वही शेयर कर रही हूँ।
एंड उसके बाद हम लोग गए थे एक पिकनिक टाइप मनाने के लिए। तो ये है देखिए एकदम सुंदर डैम, यहाँ का फेमस डैम जो है ना हीराकुड डैम वो है। एंड यहाँ पे एक नई जगह बनी है, टूरिस्ट स्पॉट आप बोल सकते हो, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, बट जंगल सफारी तो हम लोग का गया हुआ है काफ़ी बार, इसलिए हम लोग नहीं गए। एंड ये डैम का जो क्या बोलेंगे आप, बैक वाटर बोल सकते हो, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, डैम के एक साइड पानी जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ना वो वाला एरिया है। ये बहुत पानी था यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा था वहाँ पे, मस्त हवा चल रही थी एंड बर्ड्स थे, बोटिंग हो रही थी वहाँ पे, काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड बस ये ब्रिज के ऊपर ही जा रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पे आगे जाके क्या बोलेंगे रिजॉर्ट वगैरह टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बट हम लोग थोड़ी देर के लिए सिर्फ घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे रुकने का प्रोग्राम नहीं था हम लोग का, तो ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि शाम हो रही थी एंड 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है ये मेरे मायके से, तो हम लोग को आना जाने में ही ज़्यादा टाइम लग गया एंड थोड़ा लेट भी निकले हम लोग। लंच वगैरह सब मम्मी ने बना के लेके गया था, वहाँ पर भी बैठ के हम लोगों ने खाया। ये है देवरीगढ़, आप देख सकते हो उसका गेट है ये, एंड बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट आप बोल सकते हो वो लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा सा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग पहले देखे नहीं थे, तो न्यू थी हम लोग के लिए ये चीज़ें, तो हम लोग को अच्छा लगा। एंड रूम्स अवेलेबल थे वहाँ पे, स्टे कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और बैठ के वहाँ पे खाया, बट मैं भूल गई कि हम लोग क्या क्या खाया, वो सब शूट करना, तो ये खेल रहे हम लोग, उसके बाद वो शूट कर लिया मैंने, छोटा सा क्रिकेट टाइप का खेल रहे थे हम लोग सबको, चीनी चुकू तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और थोड़ा बहुत खेलने का सामान क्रिकेट बॉल वगैरह लेके गए थे हम लोग, जो लाइक पिकनिक के मूड से गए थे बिल्कुल, बैठने के लिए चद्दर वगैरह लेके गए थे, बेडशीट, तो उसी में बैठे थे। एंड सामने यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, रजिस्टर सेटिंग है, वो देवरीगढ़ के बाद हम लोग हीराकुड डैम आ गए थे जो कि फेमस है, एंड मेरी सिस्टर का बर्थडे था उस दिन, तो ये होममेड केक है, गरम गरम ही इसको डीमोल्ड कर लिया था तो ये टूट गया, थोड़ा सा चिपक गया था क्योंकि, बट केक काफ़ी अच्छा बना था। बस मैं थोड़े दिन के लिए ही मायके में रही थी, लाइक 10 डेज अप्रॉक्स आना जाना मिला के ऐसा था, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई एंड 2-4 दिन तो नॉर्मल डे ही था, तो उसे मैंने शूट नहीं किया एंड शेयर भी नहीं किया एंड अपडेट भी नहीं दिया था कि मैंने मायके गई हूँ मैं, बट वहाँ पे 2-3 जगह हम लोग गए थे बाहर घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लेते हैं, छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, तो इस व्लॉग के थ्रू मैंने उसे शेयर किया। एंड
बहुत अच्छा रहा हम लोग का नया साल जो है, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी रही। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।